आज की जो मीटिंग कराने का क्या उद्देश्य था? आज की जो मीटिंग हुई है वो हमारे जो दिल्ली न्याय मंच है और NCDCS की जो हेमलता जी और आज़ाद भाई ने ये आयोजक करता थे और इन्होंने ये मीटिंग करी थी जो सफाई कर्मचारी है उनकी दिशा और दशा के बारे में। तो आज जो मैं आया था उनको यही बोलने आया था कि भाई मैं आपके साथ हूँ और आने वाले समय में जो भी योजना आपके पास है, जो भी आप हमारे को योजना बता सकते हैं, जो सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और उनके हितों की हो, उसके लिए मैं काम करूंगा, तत्पर करूंगा, 24 घंटे 365 दिन करूंगा। रविशंकर जी, अब देखा गया है कि और कास्ट के लोग इस सफाई कर्मचारियों में वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन देखा गया है कि वो लोग आते नहीं हैं। कभी इंजीनियर को धमकाना, कभी मैट को धमकाना, और वो अपनी अटेंडेंस लगवाते रहते हैं। इस फील्ड में आप क्या काम कर रहे हैं? ऐसे कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से ये भोला वाला समाज बदनाम है। बुराई के काम ये लोग करते हैं, बदनाम ये भोला वाला समाज हो जाता है। मैं तो इस भोले वाले समाज के इस कार्य को सैल्यूट करता हूँ कि दिल्ली की जनता जब उठ भी नहीं पाती है, दिल्ली का कूड़ा सारा दिल्ली से बाहर हो जाता है और ये लोग 5 बजे 4:30 बजे 6 बजे इस काम को कर भी देते हैं जब तक दिल्ली की जनता उठ भी नहीं पाती है। हमारे बहुत सारे लोग हैं सब जो बच्चे हैं, स्कूल जाते वक्त उनको साफ़ सफाई पूरी मिलती है, तो ये किन की वजह से होता है? ये इन्हीं सफाई कर्मचारियों की वजह से होता है। वाल्मीकि समाज के ये सिपाही हैं, एक सिपाही बॉर्डर पर लड़ रहा है और एक सिपाही पूरी गलियों में जा के लड़ रहा है, बीमारियों से लड़ रहा है, हमारे को भी बचा रहा है, समाज को भी बचा रहा है। तो ऐसे सिपाही के लिए तो मैं सर झुक के सलाम करता हूँ, उनके लिए लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। मेरे से जो भी उनसे जो किया जाएगा उनके हितों के और अधिकारों के लिए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, कभी पीछे नहीं हटूँगा। रविशंकर जी, पूरी समाज की, पूरे दिल्ली की आवाम की निगाहें आपके ऊपर हैं, लेकिन आयोग जो बनते हैं सिर्फ एक कागजों तक सीमित रह जाते हैं, आए और आयोग के अंदर बैठे और चले गए। तो इसमें आप इस जनता को कैसे दिखाएंगे कि रविशंकर जी आयोग में आए और मैं काम करके दिखा रहा हूं? ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से लोगों को पता चल ही रहा है कि मैं काम कर भी रहा हूं और काम करूंगा, बैठूंगा नहीं। मेरे कुछ साथी यहां आए हुए हैं, उनके माध्यम से भी वो मुझे समय समय पे अपनी बातें बताते रहते हैं, समाज की बातें बताते रहते हैं। आयोग ने जो भी कुछ किया या नहीं किया, मैं उस बुराई में या उस पीछे पास्ट में नहीं जाता। कर्मचारियों का कोई भी हमें नहीं कर पाएगा जब तक उनका भाई रविशंकर है। लोग में जाते हैं तो लोग वहाँ वो मिलने नहीं दिया जाता, कुछ स्टाफ ऐसा बैठा रहता है कि क्योंकि मेरी बीजेपी में एक स्वराज विद्वान जी, उनसे भी बातें हुई थी कि आयोग में जैसे आपसे मिलना है तो आपसे मिलने नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पूरे अपने अधिकारियों को, सेक्रेटरी को और DS को, डिप्टी सेक्रेटरी को और उससे UDC जितना भी स्टाफ है नीचे तक 4th क्लास तक, उनको सबको बता रखा है कि कोई आए मेरे पास उनको बिठाओ, उनका आदर सत्कार करो, पानी चाय जो हमारे से अवेलेबल है वो उनको पिलाई, जो भी दिया जाए। और मैं उनसे 11 बजे वहाँ बैठता हूँ, 5 बजे तक मैं सभी कामों से छुट्टी करके अपने, जो मेरे अपने काम भी हैं क्योंकि दाल रोटी सबकी आयोग से ही नहीं चल रही है, मेरी भी चल रही है, लेकिन मैं 11 से 5 बजे तक आयोग में बैठता हूँ, सोमवार से शुक्रवार तक। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं शनिवार को भी आ जाऊँगा, लेकिन स्टाफ नहीं होएगा, फिर मैं ही मिल पाऊँगा व्यक्तिगत तौर पर।